वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू द पार्ट टू ऑफ वर्ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन सो पिछली वीडियो में पिछले पार्ट में भी आपने देखा कि मैंने आपके साथ बहुत सारे वॉर्ड्रॉप हैक्स वगैरह शेयर किए कुछ प्रोडक्ट शेयर किए सो so, आज भी इस वीडियो में हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो so, आपने आज की वीडियो को है। देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम अपने प्रोडक्ट को सेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज करने वाले हैं सो so, इसके अलावा अगर आपने मेरी ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियो तो तक नहीं देखी तो जाकर जल्दी से देख लीजिएगा इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा क्योंकि इसमें भी हमने अपनी ज्वेलरी को बहुत ही कम पैसों में बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है सो फ्रेंड्स पिछली वीडियो में हमने अपनी ये कपड़ की ये फोल्डिंग वाली साइड को अच्छे तरीके से सेट किया था एंड मैं बहुत अच्छे से सेटिस्फाई हो गई थी और अब मेरे कपड़े बिल्कुल भी बिखरे हुए नहीं होते और काफ़ी स्पेस बच चुकी है और इसके साथ मैंने आपके साथ एक ही वाला हैक शेयर किया था कि अगर आपका ड्रॉ वगैरह का को कोई हैंडल वगैरह नहीं है उतर गया है तो आप इस तरह से फिफ्टी रुपीज़ में बाइ कर सकते हैं दराज से एंड देन इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर मैं अपना कुछ मेकअप का सामान रखती हूँ जो कि स्किन केयर हेयर केयर के लिए यूज़ करती हूँ तो यहाँ पर ना जगह बहुत ही कम है जिसकी वजह से मुझे ये टी बॉक्स के अंदर चीज़ें रखनी पड़ती है लेकिन मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मेरी सारी चीज़ें भी आ जाए और मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें भी ये बॉक्स वगैरह भी हटाना पड़ जाए तो यहाँ पर चले मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि मैंने क्या क्या मार्केट से बाय किया है और बहुत ही कम प्राइस में तो ये सबसे पहले मैंने एक ऑर्गेनाइजर बाय किया है एक शेल्फ बना हुआ है ये और ये जस्ट वन फिफ्टी में मुझे मिला है वो भी वन डलर शॉप में और इसमें बहुत सारे कलर्स थे तो मुझे इसमें ब्राउन कलर ही सही रहा और ये देखिए आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं लाइक अपने वॉशरूम के कुछ प्रोडक्ट्स रख सकते हैं इसके अलावा अपने किचन के मटेरियल वगैरह रख सकते हैं एंड इसके अलावा अपने ब्यूटी कॉस्मेटिक्स वगैरह रख सकते हैं तो मैं इसको अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए रखने अपनी हूँ तो इसको हम निकाल के अच्छे से असेंबल कर लेते हैं तो इस तरह से कुछ ये आता है पैकेट के अंदर एंड इसके सारे पार्ट्स को हमें अलग अलग जो है ना में जोड़ देना होता है सो तो इन चीज़ों को तो असेंबल करना आपको होता है कि बहुत आसान है और सब कर सकते हैं तो यहाँ पर जो है ना वीडियो को थोड़ा सा स्पीड अप कर देती हूँ ताकि जल्दी से ये वाला क्लिप खत्म तो इस तरह से हमने इसको असेंबल कर दिया है और बहुत अच्छा लग रहा है और क्वालिटी भी सही है तो इसके अलावा मैंने एक और चीज़ जो है ना ऑर्गेनाइजर बाय किया था से सो तो ये है इस तरह से एक लिपस्टिक ऑर्गेनाइजर अगर आपको याद हो मेरी वीडियो देखी हो गह से सेल से मैंने इसको इसको बाय किया था और अभी तक यूज नहीं किया था तो मैंने आज और जैसे इसको निकाला और अपनी लिपस्टिक रखने लगी तो अब मुझे पता चला कि मेरी बहुत सारी लिपस्टिक तो ऐसी है जो इसके अंदर आ ही नहीं रही मतलब कुछ ही बस लिपस्टिक थी जो इसके अंदर फिट हो रही थी लेकिन हम इसको वेस्ट तो नहीं कर सकते ना तो हम इसके अंदर अपनी कुछ और छोटी छोटी चीजें रखने के लिए इसको यूज कर सकते हैं लाइक जो मैं डेली रूटीन में यूज कर बाय करना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप जाके बाय कर लीजिए तो तब मैंने इसको टू हंड्रेड रुपीज में बाय किया था लेकिन अब इसकी प्राइस आई थिंक थोड़ी कम हो चुकी है सो so, हम बाकी चीजें देख लेते हैं कि मैंने इसके अलावा और क्या क्या यूज करने वाली और इसके अलावा बाय किया है मैंने ये मिरर और ये भी मैंने एक और शॉप से बाई किया था आई थिंक टू के अंदर अंदर इसकी प्राइस थी और इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी थी एंड कलर भी इसका बहुत अच्छा था सो ये इस तरह से बना हुआ है और सेट करने के बाद ये मिररर कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ पर इसकी बैक साइड आपको दिखा रही हूँ तो चले अब जल्दी से हम अपना थोड़ा सा मेकअप ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो ज्यादा लंबी चौड़ी वीडियो ना बने इसलिए जस्ट हम ट्रांजिशन के हेल्प से इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे एंड तो देखिए अब यहाँ पर मेरे सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सेट हो चुके हैं और कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज नहीं पड़ी मेरी सारी चीज़ें ही यहाँ पे आ चुकी हैं तकरीबन तो बहुत अच्छे तरीके से और काफ़ी स्पेस भी और काफ़ी साफ सुथरी जगह भी लग रही है तो ये रही मेरी लिपस्टिक ऑर्गेनाइजर यहाँ पर मेरा कंडीशनर है कुछ और चीज़ें हैं एंड इसके पीछे ना और भी बहुत सारी स्पेस है जिसके पीछे मैं यहाँ पर अपनी कुछ रेमेडीज वाले प्रोडक्ट्स और चीज़ें वगैरह रखती हूँ और जो मेरा लिपस्टिक ऑर्गेनाइजर था उसको मैंने कुछ इस तरह से यूज़ किया कि उसके अंदर मेरा कुछ लाइन राम आ गया कंसीलर आ गई कुछ लिपस्टिक्स आ गई थी टिंट वगैरह छोटी छोटी नेल पेंट्स इसके अलावा सुरमा काजल एंड ऑल अबाउट दिस मतलब मेरी सारी जो जिस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो और कहीं नहीं रखने की जगह थी तो मैंने इस तरह से इसको यूटिलाइज़ कर लिया है एंड फ्रेंड्स ये चीज़ तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अक्सर हमारे खबर में ना थोड़ा अंधेरा होता है जिसके से हमें कुछ चीज़ें निकालते हुए प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर मैंने एक की छोटी सी लाइट जो है ये भी दराज से परचेज़ की थी एंड जस्ट ये वन फिफ्टी में मैंने बाई की है है सेल्फ इसके अंदर जो है ना वो बारीक वाले सर डलते हैं इस तरह से ये लगने के बाद कुछ और इस तरह से मुझे तो हर चीज क्लियरली नजर आ रही होगी मैं आसानी से ले सकूंगी सो so, फ्रेंड्स मुझे तो ये लाइट बहुत पसंद आई एंड हाईली रिकमेंडेड है आपने बाय करनी होगी तो आप जरूर जाके इसको दर से परचेज कर लीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपनी कबड्ड को थोड़ा सा रीन्यू करने की कोशिश की है जहाँ पे इसकी ब्राउन कलर की वुड लगी हुई थी थोड़ी पुरानी हो चुकी थी थोड़ी सी गंदी लग रही थी तो मैंने वहाँ पर थोड़ा सा गोल्डन स्प्रे का यूज़ किया है जिसकी वजह से ये देखिए इसकी काफ़ी अच्छी अब लुक आ गई है और काफ़ी खूबसूरत भी ये देखने में लग गई है तो यहाँ जहाँ इसकी इस तरह से वुड की एक पट्टी सी लगी हुई थी वहाँ पर मैंने सारी गोल्डन की स्प्रे कर ली है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है एंड फ्रेंड्स तो अब आ जाते हैं हम अपनी कबर्ड की हैंगिंग वाली साइड पर जिसकी हालत ना कुछ हमेशा से इस तरह से ही रहती है मतलब इसकी जो नीचे ये स्पेस होती है वहाँ पे हमारी अक्सर चीज़ें इस तरह से बिखरी पड़ी होती है क्योंकि उनको हमें अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की कहीं समझ नहीं आ रही थी कि इनको हम कहाँ रखें और जो भी मेरे यहाँ पर ड्रेसेस हैंग हुए हैं यहाँ पर मेरे कुछ हिजाब्स हैं दुपट्टे हैं और, और कुछ और कपड़े वगैरह होते हैं जो कि दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते मतलब सही से सेट ही नहीं हुए होते तो इनको हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे और इसके लिए भी मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ की है तो यहाँ पर देखिए कुछ और मेरी यहाँ पे चीजें बिखरी हुई हैं बैग्स पड़े हुए हैं और कुछ और हमारी छोटी छोटी चीजें वगैरह होती है जिनको अक्सर हम इस तरह से शोपर में बांध के अपनी कबड़ में रख देते हैं तो इनको भी हम सही आज सेट करेंगे और ये देखिए यहाँ पे मेरा एक हिजाब ही गिर गया हुआ है हैंगर में से निकल के तो चलिए अब वन बाई वन सारे प्रोडक्ट्स देख लेते हैं कि हमने इसके लिए क्या बाई किया है और आपकी कबड़ की हालत भी ऐसी होती है तो जरूर बताए एंड होपफुली आज की वीडियो से ना आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा और उसके बाद आप भी अपनी कबड़ को अच्छे तरीके से सेट कर सकेंगे और इस तरह सेट करेंगे कि दोबारा कभी आप कि जो कबड़ है और चीजें वगैरह है वो ना बिकने तो सबसे पहले तो हम अपनी कबर को कुछ इस तरह से इम कर लेंगे एंड टणा देखिए साफ सुथरी हो चुकी है और कपड़ों को मैं वन बाय वन करूंगी तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बाय किया है दराज से ये बैग्स हैंगर जो इस तरह से बना हुआ है तो so, इस तरह से ये प्लास्टिक शीट इसके ऊपर लगी हुई है और बहुत ही एक पतले कपड़े में ये बना हुआ है क्वालिटी इसके नॉर्मल सी है क्योंकि ये नॉर्मल सी प्राइस में ही आपको मिलेगा टू के करीब करीब सो तो इसके अंदर ना हम अपने एट बैग्स को हैंग कर सकते और इस तरह से मैंने अपने सारे बैग्स को इसके अंदर अच्छे तरीके से सेट कर लिया है क्योंकि मेरे बैग्स जो थे वो ज्यादा बड़े नहीं थे नॉर्मल साइज थे तो इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा बड़े और हैवी बैग्स अच्छे तरीके से नहीं आ सकते तो मेरा एक बहुत बड़ा बैग था तो उसको मैंने अपनी कवर के पीछे एक हुक लगा कर उसको हैंग कर दिया सो so, मेरे जो भी नॉर्मल साइज़ के बैग थे उनको मैंने एक पॉकेट में एक रखा था और जो इस तरह से छोटे क्लच वगैरह थे उनको मैंने एक पॉकेट के अंदर दो रख दिए थे एंड इस तरह से मेरे बैग्स काफ़ी अच्छे तरीके से सारे सेट हो गए और मुझे अब ढूंढना नहीं पड़ेंगे और ना ही इधर उधर बिखरेंगे इसके बाद बारी आ जाती है ये पॉकेट ऑर्गेनाइज़र की जिसके अंदर हम अपनी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें वगैरह इसके अंदर सेट कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने अपने कुछ हिजाब कैप्स रखी हैं सॉक्स वगैरह रखी हैं एंड लास्ट में मैंने इसके अंदर अपने कुछ मास्क भी रखे हैं क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमें वक्त पर नहीं मिल पाती तो ये तो हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि ये भी बहुत ही कम प्राइस में है एंड इसके बाद बारी आ जाती है हमारे कुछ स्टोर्स की जो कि इस तरह से हैंग हुए होते हैं और जब हमें निकालना होता है सबसे नीचे वाला तो बहुत ही ज़्यादा कोई मुश्किल पेश आती है और अक्सर ज़्यादा वेट होने की वजह से जो हैंगर है वो भी टूट जाता है तो चलें इसके लिए भी मैंने एक लेड हैंगर बाय किया है जो कि इस तरह से आपको दराज से मिल जाएगा सो so, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी सारे हिजाब इसके अंदर अच्छे तरीके से सेट हो जाते हैं सो so, सारे हिजाब सेट करने के बाद आपको हर हिजाब जो है वो अलग अलग नज़र भी आएगा कि इसके अंदर हमने कौन कौन सा हिजाब रखा है आप इसको आसानी से निकाल सकेंगे और सेट भी कर सकेंगे इसके बाद मैंने बाय किया था एक ये हैंगर तो ये मुझे वन फिफ़्टी में टू मिले थे जो कि मुझे बिल्कुल बेकार लगे मतलब इसका मकसद था कि इसके अंदर हम बहुत सारे और भी मल्टी हैंगर्स वगैरह सेट कर सकते हैं लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा वेट जो है ना बियर नहीं कर पाएगा और इतनी स्पेस हमारे पास है नहीं कि हम इसको अपनी कब के अंदर रख सकें तो इसके अंदर आप अपनी कोई और वैसे इसको आप किसी और पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं लाइक टाइल वगैरह हैंग करने के लिए so, इसके अलावा मैंने एक ये वाला हैंगर भी बाई किया है वो भी दराज से और ये मैंने बाय किया था अपने दुपट्टों को हैंग करने के लिए ताकि हमारे जो भी दुपट्टे हों हमें वो आसानी से मिल जाए नज़र आए और इस तरह से इसके अंदर हम अपने तकरीबन फिफ्टीन दुपट्टों या हिजाब वगैरह को हैंग कर सकते हैं और कुछ इस तरह से मैंने अपने सारे दोटे को अच्छे तरीके से इसके अंदर हैंग कर दिया है और फ्रेंड्स अब आप मेरी कबर को देख सकते हैं और अगर आपको पहले याद हो कि पहले इसकी हालत कैसी थी तो इसमें अब काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रहा है मतलब काफ़ी इसमें स्पेस बच चुकी है हमारी कबर काफ़ी साफ सुथरी नीट क्लीन लग रही है और देखने में भी अच्छी लग रही है मतलब अच्छे तरीके से कब कपड़े जो है ना ऑर्गेनाइज़ हो चुके हैं जो भी इस तरह से ऑर्गेनाइजर हैं उनको मैंने स्टार्ट में रख दिया है ताकि छोटी छोटी चीज़ें सामने रहे आगे रहे और भी इसके अंदर आप छोटी छोटी अपनी बेल्टस वगैरह रख सकते हैं ये वाला ऑर्गेनाइज़र तो मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है ना अच्छा लगा और इसमें एक दो पॉकेट्स बच गए थे तो इसके अंदर मैंने अपने कुछ ग्लासेस रख ली इसके बाद मैंने हैंग किया है यहाँ पे अपने लेयर हिजाब हैंगर को इसके बाद मेरे बैग्स वाला है, हैंगर है दो वाला हैंगर है एंड इसके बाद जो है ना मैंने अपने ड्रेसिस को भी अच्छी तरीके से सेट करके हैंग कर दिया है और अब मेरी कबर काफ़ी सेटल लग रही है एंड फ्रेंड्स इस तरह से एक और आपको दराज से ऑर्गेनाइज़र मिल जाता है जिसको आप अपनी हैंगिंग साइड पर हैंग कर सकते हैं और इसके अंदर अपनी कोई छोटी छोटी चीज़ें वगैरह तैयार लगा कर रख सकते हैं लाइक अपने टॉवल्स वगैरह और कुछ कपड़े सॉक्स एंड और बहुत सारी चीजें एंड इसके ऊपर इस तरह से मैजिक लगी हुई जिसके अंदर आप अपने हैंगर को लगाकर अपनी अपने के अंदर हैंग कर सकते हैं इसके अलावा आप डायरेक्ट भी इसको लगा सकते हैं आज की वीडियो हमारी वर्ल्ड रॉब ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट वार्ड आई होप आप सबको पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो इससे पहले आपके पास नहीं थी तो अब आप अपनी अलमारी को अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे और बहुत सारी आपकी अलमारी में अब स्पेस भी बन जाएगी और बार बार आपको अब अपनी अलमारी को सेट भी नहीं करना पड़ेगा सो चाहिए जल्दी से आप सारे वो प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बाय कर लीजिए जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए थे सो मिलते हैं इस तरह से और भी मज़ेदार वीडियोस में और इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि कोई भी आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को मिस ना कर पाए